Hi friends, welcome back to my channel, Natkati Suhani. तो ये नटखटी सुहानी आपके लिए लेके आ चुकी है एक न्यू कार्डबोर्ड वीडियो, क्योंकि आप सभी का वो कार्डबोर्ड क्राफ्ट के ऊपर बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था कि आपको एक कार्डबोर्ड वाला वीडियो बनाओ। तो मैं सोची कि चलो पापा को आज रिक्वेस्ट कर दे कि आप कार्डबोर्ड का एक वीडियो बनाओ। और पता है पापा ने क्या सजेस्ट किया? पापा ने सजेस्ट किया कि हम एक सुपरमार्केट बनाते हैं, तुम्हारे पास इतने प्लेफूड पीसेस है जिसको हम लोग एक न्यू कार्डबोर्ड में भी यूज कर लेंगे और लोगों को भी देखने में बहुत मजा आएगा। तो क्या वो तुरंत पापा बनाने लग गए सुपरमार्केट, बट उसके लिए बहुत मेहनत लगा। पता कितने दिन लगे? पूरा एक वीक चल गया इसको बनाने में, क्योंकि दिखने में तो बहुत बड़ा और आपको लगेगा कि बहुत इजीली बन गया, बट इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगा। बट अगर आप मेहनती हो तो आप इसे जरूर कंप्लीट कर सकते हो। और गाइस, इसे फर्स्ट से लेके एंड तक जरूर देखना। सो फ्रेंड्स, सुपरमार्केट का काम हम लोग पहले शेल्फ से स्टार्ट करेंगे। शेल्फ के लिए हमने ले लिया एक बड़ा सा कार्डबोर्ड, और उसके साथ ही हम लोग लेने वाले हैं और दो कटा हुआ कार्डबोर्ड। ये भी एक बड़ा कार्डबोर्ड था, बट हमें शेल्फ के मेजरमेंट में चाहिए था, इसलिए हमने इसे कट कर लिया। और मेजरमेंट आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, तो ये देखिए, इसे और स्ट्रेंथ देने के लिए हम लोग इसके ऊपर कार्डबोर्ड लगा रहे हैं। इसमें हम लोग फेविकॉल और ग्लू दोनों का यूज़ कर रहे हैं। बस डिफरेंस ये होता है कि फेविकॉल में यानी ग्लू में अच्छे से स्टिक होके रहता है, और ग्लू वन वाला कुछ दिन के लिए रहता है, बाद में निकल जाता है, इसलिए हम कुछ जगह में लगा रहे हैं और कुछ जगह में नहीं। इसके ऊपर और एक कार्डबोर्ड लगाया, फिर हमने दूसरा कार्डबोर्ड लिया। तो यहाँ पे हमने सेम मेजरमेंट का कार्डबोर्ड ले लिया है, जो कि हमारे सुपरमार्केट का मेन स्टैंड बनेगा। और हम लोग यहाँ पे शेल्फ के लिए ये व्हाइट कार्डबोर्ड यूज कर रहे हैं। तो स्टैंड के बेस को मजबूत करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड लगा रहे हैं नीचे से। तो ये देखो, हमारा दो शेल्फ्स बन चुका है। बस अभी इसे जॉइंट करना बाकी है, तो इसको जॉइंट करने के लिए इसका रूफ टॉप भी बनाना पड़ेगा, इसलिए पापा यहाँ पे जल्दी जल्दी से उसके साइज का कार्डबोर्ड कट कर रहे हैं। स्टैंड को मजबूती देने के लिए पापा यहाँ पे सपोर्ट स्ट्रिप्स लगा रहे हैं, जो कि कार्डबोर्ड से बना है। और लास्ट में हमने नीचे से भी सपोर्ट स्ट्रिप्स लगा दिया है, क्योंकि वो स्टैंड रहेगा तो उसे अच्छे से स्टेबल रखने के लिए हमें नीचे से एक स्टैंड लगाना भी जरूरी है। ये देखो, फाइनली हमारा बेस बन चुका है। अब हम इसके अंदर बनाएंगे लेयर्स और शेल्फ्स। अब हमने ले लिया एक बड़ा सा कार्डबोर्ड, बिकॉज अभी हम लोग बनाने वाले हैं रजिस्टर, क्योंकि इसके दो पीसेस हैं। और ये देखो, पापा बोल रहे थे कि तो वीडियो में खुद के वीडियो में आई नहीं रही है, मैं ही कार्डबोर्ड बना रहा हूँ, और फ्रेंड्स बोलते कि सुहानी दिख नहीं रही है। तो गाइस, मैं तो साइड में रहकर पापा की हेल्प करती हूँ, पर दिखती नहीं हूँ वीडियो के अंदर। ये देखो, ये था एक टीवी का बॉक्स जिसको हम लोग रजिस्टर के लिए हेल्प ले लिया। इसमें टू बेस रहेगा, एक तो शेल्फ और एक रहेगा रजिस्टर। लोग स्टैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, और इसमें हमने ये स्ट्रिप्स की बहुत यूज ली है। अच्छा देखो, ये स्ट्रिप्स ना बस कुछ समय के लिए जॉइंट करने में काम आएगा, और इसे मास्क टेप बोलते हैं। और हमने इसे जिगजैग वे में कट करके इसे अभी हम लोग लगाने वाले हैं। तो ये देखो, हमने यहाँ पे लगा दिया।
हम ज्यादा यहाँ पे ग्लू का यूज करेंगे। ये देखो मेन रजिस्टर ही बन चुका है। अब हम यहाँ पे शेल्फ को लगा देंगे जिससे ये लगने लगा कि सुपरमार्केट बन चुका है, बट आधा अधूरा। अभी हम लोग पार्टीशन बनाएंगे जिसके लिए यहाँ पे भी हम लोग टेप्स यूज कर रहे हैं, और स्पेशली हम लोग आधा सुपरमार्केट ये वुड वॉलपेपर कलर से कवर करेंगे। आगे भी हम लोग कलर यूज करने वाले हैं, आपको आगे पता चल जाएगा। ये देखो ये तो और भी मजबूत हो गया। चलो अब जल्दी जल्दी सब में वॉलपेपर लगा देते हैं। ये देखो वॉलपेपर का तो आधा काम खत्म हो गया। अब हम लोग जॉइंट करने वाले हैं स्क्रूज। क्यों? क्योंकि हमें शेल्फ और रजिस्टर को साथ में रखना है, और वो भी एक सुपरमार्केट का पार्ट है, तो दोनों साथ में रहेगा तो बहुत ज्यादा सुंदर दिखेगा। ये देखो कितना सुंदर दिख रहा है ना। तो अभी हम लोग यूज करने वाले हैं हमारे ब्लैक वॉलपेपर को। देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। सुपरमार्केट अगर ब्लैक कलर का हो, थोड़ा वुड कलर का भी हो, और थोड़ा अलग अलग कलर का हो तो बहुत ज्यादा सुंदर लगता है, एकदम कलर कॉम्बिनेशन आता है, इसलिए हमने यहाँ पे ब्लैक कलर लगा दिया। अब हम लोग कॉर्नर्स में भी ब्लैक कलर लगाएंगे। ये देखो हमने एक साइड का लगा दिया। अब हम ऊपर से भी लगा देंगे। तो गाइस चलो अब आता है हमारा टाइम इस शेल्फ को लगाने में। तो देखो स्टैंड में हमने शेल्फ लगा दिया है, और अभी हम लोग इसको भी ब्लैक कवर से कवर कर लेंगे। और ये देखो आप जो ब्लैक कलर का स्क्वायर देख रहे हो ना, वो है बारकोड स्कैनर। अब यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं रजिस्टर को डिजाइन करने के लिए। तो ये देखो ये तो मेरे सुपरमार्केट का रजिस्टर था जो कि मेरे को मिल गया था बहुत मुश्किल से ढूंढने में। पापा ने सोचा कि चलो इसको थोड़ा सा डिजाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब देखिए मैंने किसे कैसे हमने इसको कन्वर्ट किया। तो गाइस पक्का एट द लास्ट आप यही बोलोगे कि एकदम सुपरमार्केट वाला रजिस्टर लग रहा है। अब हम लोग यहाँ पे होल इंसर्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग वो ट्यूब इंसर्ट करेंगे। डन। इट लुक्स अमेजिंग हाँ। ये देखो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ग्लू। इसमें बेबी कॉल की कोई जरूरत नहीं थी तो हमने इसमें हॉट ग्लू गन लगा दिया। एक्स्ट्रा सपोर्ट स्ट्रिप्स लगा दिया है ऊपर से। आई मीन गाइस हमने नीचे से, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गया।
तो यहाँ पे अभी हम लोग लगाने वाले हैं कवर और इसके ऊपर हम लोग ग्रोसरीज वो लिखेंगे, बट पापा हमेशा मेरे कार्डबोर्ड के ऊपर सुहानी लिखना कभी नहीं भूलते हैं क्योंकि वो मेरे लिए बनाते हैं और आपके लिए भी बनाते हैं सुपरमार्केट। तो ये देखो, इट लुकिंग वेरी अमेजिंग गाइस, मेरे को बहुत ज़्यादा सुंदर लगा और एकदम एस्थेटिक। और जल्दी से कॉमेंट्स में बताना कि आप इसको कितना रेट करना चाहोगे। घर बैठे बैठे सुपरमार्केट वाली फीलिंग आ रही है इससे। तो देख लिया वो कार्डबोर्ड का ग्राफ कैसा लगा आपको? आप रुको रुको, इसके ऊपर ना बहुत सारी प्लेइंग वीडियोस आएंगे, इस सुपरमार्केट में बहुत लोग विजिट करेंगे बिकॉज ये तो नया नया खुला है ना, तो कितने सारे लोग आएंगे उसे परचेज करेंगे। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए। क्या आपको भी सुपरमार्केट का ऑर्गेनाइज वीडियो देखना है? तो मुझे कमेंट्स में जल्दी से कर दीजिए कमेंट्स, तो मैं वेनसडे को एक ऑर्गेनाइजिंग वीडियो भी लेके आ जाऊंगी जो कि सुपरमार्केट में बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन वीडियो देखना है ना, तो जल्दी जल्दी लाइक भी कर दो, आपके ज्यादा लाइक्स आएंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको ऑर्गेनाइजेशन वीडियो देखना है। सो फ्रेंड्स, मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।